देखो बेटा, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, ठीक है। बिना तपने से जो है सिलेक्शन नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, सर इस साल तो मेरा हो जाएगा ना। हो जाएगा भैया, जिस साल पढ़ोगे उस साल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस साल पढ़ोगे उस साल सिलेक्शन हो जाएगा। बस अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, ठीक है। मम्मी पापा जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है। ये माँ बाप जो होते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होते हैं, हमारी पसंद से नहीं आते हैं। आप दोस्त अपनी पसंद से चुन सकते हो, अपनी शादी के लिए जो अपना लाइफ पार्टनर है अपनी पसंद से चुन सकते हो, मगर माँ बाप भाई बहन जो है ना, ऊपर वाला भेजता है कि भैया ये है, चल एडजस्ट कर। और आपके पेरेंट्स के पास जो रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं आप लोगों के लिए, बेस्ट। अगर वो आपके लिए 10,000 रुपए महीना खर्च कर सकते हैं तो करते हैं, अगर वो 5 कर सकते हैं तो 5 करते हैं, और अगर वो 20 कर सकते हैं तो 20 भी करते हैं। तो बेटा इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि दोबारा ये नीट की प्रिपरेशन के लिए भटकना ही ना पड़े। इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, करना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे इस साल कर लो, चाहे अगले साल कर लो, कभी भी कर लो, चाहे 1 रिपीट कर लो, 2 रिपीट कर लो, 3 रिपीट कर लो, जिस साल पढ़ोगे उसी साल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, कभी कभी नहीं दुखाना। मतलब उनकी दुआ जो लगेगी ना आप लोगों को, अरे कहां पहुंच जाओगे, आपको कुछ पता नहीं। जो माँ कितनी बूढ़ी हो जाए, एक बार जो आशीर्वाद दे देती है ना, मजा आ जाता है। अभी मैं हूं, मैं दिन भर काम करता रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं, ठीक है। रात को 11-11 बजे तक जो है चीजें चलती रहती है यहां पर। 11 बजे मेरी माँ का फोन आता है, बेटा घर पहुंच गया? यस पहुंच गया। बस इतना सा, माँ का दिल नहीं दुखाना है, ठीक है।